इसी बीच हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता कुलभूषण जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे संवाददाता अमित चौरसिया जुड़ चुके हैं। कुलभूषण के पास चलना चाहेंगे, भोपाल की क्या बड़ी जानकारी है वो जान लेते हैं। कुलभूषण, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें भोपाल से, मध्य प्रदेश से रहने वाली है? कल केंद्र सरकार का बजट आया है। वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है, और उसके बाद अब केंद्र के बजट का लाभ मध्य प्रदेश को कैसे मिल सके, इसको लेके आज अधिकारियों का प्रेजेंटेशन है। पीएससीएस अधिकारियों के साथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक बड़ी बैठक मंत्रालय में करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश के लिए बजट का प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा रखा गया था, उससे उसका लाभ मध्य प्रदेश में कैसे मिले, उसका क्रियान्वयन कैसा हो, उसको कैसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाया जाए और उसका लाभ सीधे तौर पर आम जनता को मिले, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं अगर हम दूसरी बैठक की बात करें तो 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक लगातार जो मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ बैठकें की थी, समीक्षा बैठकें की थी विभागों के, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ, पीएस के साथ, सीएस के साथ, कैबिनेट के मंत्रियों के साथ जो उन्होंने बैठक की थी पिछले एक महीने में, अब उन बैठकों के बाद अधिकारियों ने क्या कुछ निर्णय लिए हैं, कितना वो जमीन में पहुंचे हैं, बैठक के बाद जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे उन दिशा निर्देशों का कितना पालन हुआ है, क्या वाकई में दिशा निर्देश देने के बाद जनता को सीधे तौर पे उन योजनाओं का लाभ मिला है, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर दूसरी बड़ी बैठक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जनसंपर्क और जनसंपर्क के अधिकारी, इसके साथ ही जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनके जनसंपर्क के अधिकारियों की भी बैठक मुख्यमंत्री आज लेने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो जनसंपर्क करते हैं, जो आम जनता के बीच जाते हैं, तो सोशल मीडिया में किस प्रकार से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार जारी है, तो इसको लेकर भी आज एक बड़ी बैठक रखी गई है। वहीं अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 11 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वर्चुअल के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे, आत्मनिर्भर देश को लेकर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सुनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर लक्ष्य अन्य राज्यों पे अपेक्षा मध्य प्रदेश की तारीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कैसे बने इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार बैठकें करते हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत कैसे जो मध्य प्रदेश के ही युवा है, जो आदिवासी वर्ग है, उनको मध्य प्रदेश में ही रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जा सके, युवाओं को रोजगार दिया जा सके, क्योंकि कोविड की लहर के बाद ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में जो युवा है, जो मजदूर वर्ग है, वो दूसरे राज्यों से वापस अपने घर लौटे थे, अपने इलाके लौटे थे, अपने शहर लौटे थे, तो उनके सामने एक बड़ा रोजी रोटी का संकट था। ऐसी स्थिति में उनको किस प्रकार से रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, उनको रोजगार देना एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने थी, लेकिन आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर देश बन सके इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार सजगता के साथ जो है बैठकें करते हैं और जो योजना है वो लागू करते हुए नजर आते हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी बीजेपी की मुरलीधर राव की अगर बात करें तो वो प्रदेश के दौरे पे हैं। इस दौरान जो बूथ विस्तारक कार्यक्रम अभियान बीजेपी का चल रहा है, इस अभियान में वो शामिल होंगे। वहीं अगर कांग्रेस के घर चलो घर घर चलो अभियान की बात करें तो आज दूसरा दिन है और भोपाल के 10 नंबर मार्केट में आज घर चलो घर घर चलो अभियान के अंतर्गत पूर्व मंत्री पीसी शर्मा सहित कांग्रेस के बड़े नेता इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं अगर बात की जाए तो आज एक कांग्रेस का प्रदर्शन भी राजधानी भोपाल में देखने को